चलिए अब बात करते हैं उस बीमारी की जिससे पूरा विश्व इस वक्त पीड़ित है। जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी पुलिस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। हर जगह पुलिस भी भूमिका अहम मानी जा रही है। जिस प्रकार डॉक्टर और सफाई कर्मचारी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उसी प्रकार पुलिस भी अपना एक रोल इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कड़ी में बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाना की पुलिस के जवानों का बल्लभगढ़ सेक्टर 64 RWA के लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने पुलिस के लिए सम्मान को लेकर RWA के लोगों के साथ ही पुलिस के जवानों से भी खास बातचीत की। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या खास बातचीत थी। कोरोना वायरस जैसी महामारी में लगातार जिस तरीके से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, कोरोना योद्धा की बात करें तो सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और डॉक्टरों की टीम इस समय पूरी तरीके से कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे हैं। रोडों की बात करें तो रोडों पर पुलिस और अस्पतालों में डॉक्टर साथ ही साथ नालियों को साफ करते हुए या सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी पूरी तरीके से इस समय अपना जो भरोसा है वो जनता के प्रति बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित हैं। साथ ही साथ बात करें पुलिस कर्मचारियों की, अब तक आपने सुना होगा कि लोग पुलिस वालों को गाली देते थे, कहीं ना कहीं पुलिस वालों की जो तस्वीरें आती थी वो डंडा मारने की आती थी, पर इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल दिल जीतने वाली हैं। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का हर एक मुलाजिम जनता के लिए डटकर मुकाबला कर रहा है। इसी कड़ी में हम इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ में, जहां पर कुछ लोगों ने आज पुलिस कर्मचारी यानी कि कोरोना वॉरियर्स का जो है सम्मानित यहां पर किया है, उनका माला और जो फूल माला के साथ जो है जोरदार स्वागत किया है। उनके साथ साथ हम बात करेंगे सबसे पहले पुलिस कर्मचारियों से। अब तक जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती थी, पर इसके बाद अब जिस तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है, तो कैसा उन्हें महसूस हो रहा है? सर पहले तो शुभ नाम आपका। मेरा नाम है SI आनंद प्रकाश, आदर्श नगर थाना में। आनंद जी, अब तक लोगों के मन में पुलिस के प्रति जिस तरीके की भावना थी उसको देखते हुए और आज की भावनाओं को देखते हुए कैसा फील आप कर रहे हैं? ऐसा जी, जो ये है ना महामारी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इन्हें कि एक भारत में, ये इसमें सभी का दायित्व बढ़ता है। सभी अपने कंधे से कंधे मिला कर एक दूसरे का सहयोग करें और अपने घरों के अंदर ही रह कर अपना टाइम पास करें। और जो इस महामारी में अपने सफाई कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, मीडिया है, पुलिस है, सभी मिलकर पब्लिक का सहयोग कर रहे हैं, दिन रात इनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी सफाई का भी विशेष ध्यान है और जो हमारे ये सेक्टरों की कमेटियां हैं, इनके प्रधान हैं, इनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। यहाँ अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन किया हुआ है लोगों को। अपने कर्मचारियों की बात करें तो आनंद जी, करीब 36-36 घंटे, 24-24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार से भी नहीं मिल रहे, अगर मिल भी रहे तो उनसे दूर बैठ करके खाना खाने जैसी तस्वीर हमने अभी देखी है, पर उसको लेकर के आपकी क्या राय है? जिस तरीके से आप परिवार से अलग हैं और 36-36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक पुलिस के प्रति जो सम्मान जग रहा है लोगों का, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? ऐसा है जी, सबसे पहले तो पुलिस की ड्यूटी का ये है, ये 24 घंटे तो पहले भी थी, लेकिन अभी महामारी को देखते हुए एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गया, अपने बच्चों के पास भी जाए, घर पर भी जाए, जैसे दूसरे जिलों से है, रोहतक से है, महेंद्रगढ़ से है, सोनीपत से है, हमारा आना जाना बिल्कुल बंद है एक महीने से, सवा महीने से, और यहाँ भी हमारा यही है हाल। अगर 8 घंटे ड्यूटी होगी, 12 घंटे होगी, 14 घंटे होगी, फिर भी काला होगी, फिर भी जाना पड़ता है, 20-20 घंटे तो कंटिन्यू तकरीबन सभी मुलाजिम ड्यूटी कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो क्यों ना सम्मान हो जब जान हथेली पर रखकर चल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जो है लेडीज़ जो है पुलिस कर्मचारी भी, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि इनकी भी अलग दुनिया है, इनके भी अपने सपने हैं, तो उनको लेकर के बात कर लेते हैं। वो भी लगातार ड्यूटी कर रही हैं, लोगों की सुरक्षा को लेकर के लगातार जो है तत्पर हैं। आपका शुभ नाम क्या है? लेडी कांस्टेबल कविता। कविता जी, एक अलग सी दुनिया है लगातार, जब आप महिला भी हैं अगर जो बात करें तो, लगातार जिस तरीके से आप इस लड़ाई में जो है भागीदारी अपनी निभा रही हैं, तो किस तरीके का फील कर रहे हैं? आज आपका स्वागत किया है लोगों ने, सम्मानित जो किया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी आज वेलकम हुआ, हमें बहुत अच्छा फील हुआ है, क्योंकि हमेशा पुलिस की एक नेगेटिव सी इमेज होती है जनता के सामने, सभी गालियाँ देते हैं कि अच्छा काम नहीं करते, लेकिन अब बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम भी अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं अपना, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। लॉकडाउन तो महामारी के चलते किया ही है, साथ ही साथ इस लॉकडाउन से फ़ायदा भी बहुत सारे हुए, अगर पॉल्यूशन की बात करें या फिर पुलिस की एक अहम जो भूमिका यहाँ पर देखने को मिली, ऐसी चीज़ें भी सामने निकल कर आई हैं, तो ऐसे में सरकार से या प्रशासन से या फिर जिस तरीके से लगातार जो लोग जो है गुहार लगा रहे हैं लॉकडाउन को लेकर के, तो आपकी भी अपनी क्या राय है कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या जिस तरीके से 3 मई का जो टाइम रखा गया है, पीरियड रखा गया है, तो उसी पर सीमित रखें?
जी हमारे हिसाब से बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक महामारी है अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल बीमारी ज़्यादा फैलेगी, तो इसलिए लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है पुलिस के जो जवानों का स्वागत किया है। सबसे पहले योगेश जी आपसे पूछ लेते हैं हम लोग कि आज जो स्वागत किया है, क्या कुछ सोच समझ के आपने ये स्वागत किया है, क्या कुछ मन में था कि इनका स्वागत करना चाहिए, वजह क्या थी इसको लेकर? देखो मैं सेक्टर 62 का निवासी हूँ। आज हमारे सेक्टर 62 RWO के तरफ से जो हमारे इस कोरोना जैसी महामारी में करमवीर योद्धा जो हमारे बनके आए हैं, चाहे हमारे पुलिस के जवान हों, चाहे हमारे आशा वर्कर हों, चाहे हमारी सफाई कर्मचारी हों, चाहे आप मीडिया के साथी हो, आज उनका सबका हमने यहाँ स्वागत किया है। क्योंकि पिछले एक महीने से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो इन सब लोगों की वजह से हैं। क्योंकि मैं पुलिस के काम की प्रशंसा करूं कि जब भी हमने इनको फ़ोन किया, जब भी हमको लगा कि कोई आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, तो पुलिस की जिप्सी विद इन 5 मिनट्स में उस स्थान पर गई और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को मजबूर किया। चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने बेचारों ने एक दिन की छुट्टी ना करके डेली जो जैसा उनका पहले शेड्यूल था डेली घरों के सामने झाड़ू लगाने का काम किया। आशा वर्कर हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हैं सब इनके ऊपर ही लागू हुई हैं और सब इनके कारण ही वो सक्सेस हुई हैं। तो घर घर जाके इन्होंने लोगों की सर्वे किया। एक अलग सी तस्वीर पुलिस की समय या फिर कर्मचारियों की बात करें, एक अलग सी तस्वीर निकल के सामने आई है, ये कहना है आपका? बिल्कुल, पुलिस की जो लोगों में थोड़ा बहुत नेगेटिव छवि थी, मैं तो पुलिस का पहले से इसलिए सम्मान करता हूँ कि मैं एक पुलिस वाले, मेरे पूरे परिवार में पुलिस के 3 मुलाजिम हैं, और जो लोगों में थोड़ा बहुत पुलिस के प्रति सकता इस एक महीने में पुलिस का सम्मान इतना बढ़ा है कि यार हर आदमी आज पुलिस वाले को देख के एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे पूछ लेते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? सबसे मेरा नाम ओपी शर्मा है। ओपी शर्मा जी, आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, पुलिस के बहुत सारे कारनामे आपने सुने होंगे, पर जो अब के टाइम में अगर जो महामारी के वक्त में अगर जो जिस तरीके का कारनामा पुलिस का सामने आ रहा है, तो उसको लेकर के आपकी क्या नसीहत? हम देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा, एक पुलिस अफसर आया अपने बच्चे को नहीं मिल पा रहा, दूर से मिल रहा है, एक और देखा वो बच्चे को रैप करके घूम रहा है, कैसे बच्चों की उनकी हालत है पुलिस वालों की, कैसे मेहनत करते हैं, अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें सोच के हैरान होते हैं, बड़े दुख मानते हैं कैसे हो रहा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों ना सम्मान किया जाए ऐसे कोरोना वॉरियर्स का जो कि लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर रोडों पर खड़े हुए हैं 24-24, 36-36 घंटे, धूप हो, बारिश हो, हवा पानी कुछ भी हो, पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी को दांव पर रखकर यहां पर जो है काम कर रहे हैं, और ऐसे कोरोना वॉरियर्स का ज़रूर स्वागत होना चाहिए। फरीदाबाद से BBM न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।